क्या ग्राफिक डिजाइनिंग को एकदम खत्म कर देगी मशीन लर्निंग? क्या वो सारे लोग जो कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल्स और किसी भी तरह का ग्राफिक वर्क करते हैं उनकी जॉब खतरे में है? आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा और आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइन में तो आप लोग को अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले तो यार मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाना चाहूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग ये सारे के सारे जो काम है ये एक्चुअल में आज की तारीख में ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर करते हैं, लेकिन एआई बहुत कुछ काम ऐसे कर रहा है जो कि बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि इस तरह के काम को करने में आप लोगों की मदद करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में एआई के इम्पैक्ट को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा और समझना होगा इवोल्यूशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग किस तरह से इवॉल्व हुई। इनिशियली पहले स्केचेस बनाए जाते थे, अगर आप लोग बैक इन द डे जाएं तो मिकी माउस के कार्टून वगैरह जो होते थे वो एक्चुअल में हैंडमेड ड्रॉइंग्स होती थी जिनको मूव करके आप लोगों को एनिमेशन दिखाए जाते थे। वहां से हम लोग आए डिजिटल सॉफ्टवेयर्स में, फिर वहां से डिजिटल सॉफ्टवेयर्स ने इवॉल्व करना शुरू किया, फिर जीपीयूज आ गए जिन्होंने और बेटर बनाया इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को, और अब एआई और मशीन लर्निंग आ चुका है। किस तरह से एआई एंड मशीन लर्निंग इंपैक्ट करेगा इसको? सबसे पहले तो ये कि एआई एंड मशीन लर्निंग एग्जिस्टिंग डेटा पर ट्रेंड है। एआई एंड मशीन लर्निंग उस डेटा पर ट्रेंड है जो कि ऑलरेडी इंसान ने किया है। एआई को एक्सपीरियंस नहीं है, एआई कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर सकता जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के बाद जॉट डाउन कर सकता है। तो ये बात तो तय है कि एआई सिर्फ उतना कर सकता है जितना उसने देखा है, लेकिन जो नए एक्सपीरियंसेस के आधार पर चीज़ें करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स या वीडियो एडिटर्स, या फिर मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एआई आज की तारीख में रेलेवेंट मीम लगा नहीं सकता। अच्छा क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आज की तारीख में कौन सी मीम चल रही है ये एक इंसान को पता है। लेकिन एक काम किया जा सकता है एआई की सहायता से, एआई की सहायता से वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस को तेज बनाया जा सकता है। तो मेरे ओपिनियन में ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग की जॉब्स या फिर काम एआई खाएगा नहीं। एक्चुअल में जो भी एआई असिस्टेड वीडियो एडिटिंग करेगा या एआई असिस्टेड थंबनेल डिजाइनिंग करेगा या फिर एआई असिस्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क करेगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू बेन। बट यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि एआई छीनेगा नहीं जॉब्स को, एआई बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। कुछ सब टास्क ऐसे हैं जो कि एआई डेफिनेटली ले लेगा आपसे, आपको करने की जरूरत नहीं है, एआई करेगा। उन सब टास्क को आप लोगों का काम है आइडेंटिफाई करना और एआई से करवाना, जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस एडिट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी भी तरह की डिजाइनिंग आप कर रहे हैं उसका काम कर पाए। एक वेबसाइट को अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी एआई से डिजाइन करवा के देखा है तो आप लोगों को पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एआई बिल्कुल भी आपको क्रिएटिव चीज करके नहीं दे सकता, उसने डेटा देखा हुआ है। और पता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एआई की क्या है? उसने जो डेटा देखा हुआ है उसमें अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, बेकार वेबसाइट्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि शायद 2014 में या मान लो 2012 में 2009 में अच्छी कहलाई जाती थी। गूगल की इनिशियल वेबसाइट आपने देखी होगी कैसी है, तो उस तरह की वेबसाइट्स को उस टाइम में अच्छा बोला जाता था, कहा जाता था कि ये क्रिएटिव डिजाइन है। तो उस हिसाब से एआई ने जो डिजाइन्स देखे हैं वो 2012 के हिसाब से क्रिएटिव है, लेकिन एआई को अगर आप लोग रॉ डेटा पे ट्रेन करो और आप लोग कहो एआई से कि यार ये एक क्रिएटिव डिजाइन है, तो वो तो उसके लिए क्रिएटिव डिजाइन है ना, उसने देखा 2012 में क्रिएटिव है तो क्रिएटिव है, लेकिन आज की तारीख में शायद वो डिजाइन ना चले। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं छोटी छोटी जो एआई नहीं समझ सकता, एंड यहाँ पर इंटरवेंशन आता है आपका एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर या थंबनेल डिजाइनर या जिस भी तरह की डिजाइनिंग आप लोग कर रहे हैं, आप लोग फिग्मा में वेबसाइट्स भी क्यों ना डिजाइन कर लो, आपका इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। एक और बात जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा वो ये है कि एक ऐसा इंसान जिसने वीडियो एडिटिंग एआई के बारे में कुछ सुना ही नहीं है या फिर उसको वीडियो एडिटिंग का कोई आइडिया ही नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक वेब डेवलपर जो कि अपने कोर्सेज बना रहा है और अपने कोर्सेज को सेल कर रहा है, तो उस इंसान को वीडियो एडिटिंग के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू आउटसोर्स दिस वर्क, एंड द मोमेंट ही आउटसोर्स दिस वर्क उस वीडियो एडिटर के पास एक काम जाएगा और उस काम को वो वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर या थंबनेल डिजाइनर किसी भी तरह का काम अगर वो कर रहा है, मैं जस्ट वीडियो एडिटिंग के एग्जाम्पल पर इस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल आप लोगों को डिजाइनिंग वर्क के बारे में बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डिजाइनर एक दिन में अगर 5 डिजाइन लेटर से बना देता तो अब वो 50 बना पाएगा एआई असिस्टेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। अब अगर आप लोग मेरा ओपिनियन मांगे तो मैं तो ये कहूंगा कि एआई की सहायता से भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हुई नहीं है, फॉर एग्जांपल एक मैं ऐसा प्लगइन वीडियो एडिटिंग का देखना चाहूंगा जो कि मैं क्या कर रहा हूं ये ऑब्जर्व करे और ऑब्जर्व करते करते मैं कैसे काम करता हूं इसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो मुझे बताए कि यार आप इस तरह का कलर फिल्टर इस तरह के क्लिप पे यूज करते हो तो अप्लाई कर दो,
पहले जब इस तरह की ऑडियो थी तो आपने ये वाला इफेक्ट यूज़ किया था, डू यू वॉन्ट टू ऐड दिस इफेक्ट? एक क्लिक पर वो इफेक्ट ऐड हो जाना चाहिए था, या मुझे 5 इफेक्ट सिखा दे कि डू यू वॉन्ट टू ऐड डी नॉइस, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर, एंड यू वॉन्ट टू ऐड लेट अस से डीवर्ब टू दिस ऑडियो क्लिप, मैं येस पे क्लिक करूँ, वो ऐड हो जाना चाहिए। तो इस तरह की AI असिस्टेड प्लगइन, या फिर आप किसी भी अगर सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं वीडियोस, उसमें मैं देखना चाहूंगा अगर आप एज अ डेवलपर ऐसा प्लगइन बना देते हैं तो AI बून है या बेन है? आपने अगर बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स भेज दिए वीडियो एडिटर्स को, AI आपके लिए बून है, एक वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि आपने AI से पैसे कमा लिए। इस तरह के काम अगर आप लोग करते हैं तो AI को अपने एडवांटेज पे यूज करना सीखो। यही मैं कहता हूँ सब लोगों को जो मुझसे कहते हैं कि यार AI तो जॉब छीन रहा है, कोई फायदा ही नहीं है ये करने, कोई फायदा ही नहीं है वीडियो एडिटिंग का, कोई फायदा नहीं है वेब डिजाइनिंग का। तो यार जीने का ही कोई फायदा नहीं है उस हिसाब से। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के आप लोगों को कैपिटलाइज करना है। ऐसा हमेशा था, आगे भी रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वर्चुअल लुक के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर है और एक AI असिस्टेड एडिटिंग का बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे 40 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। चलते हैं हम वीडियो स्क्रीन में और सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। ये वंडरशेयर वर्चुअल लुक AI है जो कि हेल्प करता है आप लोगों को AI जनरेटेड इमेजेस बनाने में। अब इनके पास दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है मॉडल ट्राई ऑन जनरेशन, यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप लोग चाहते हो कि AI जनरेटेड मॉडल आपका बन जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। साइन अप पे ही आप लोगों को 40 क्रेडिट दे देते हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग इन माई ओपिनियन। उसी के साथ साथ आप लोग अगर एडिशनली क्रिएट करना चाहते हैं इमेजेस, दैट इज़ ऑल्सो प्राइज्ड रीजनेबली वेल। अब यहाँ पर मैं जल्दी से साइन अप करूँगा और अपने गूगल अकाउंट से साइन अप करके ट्राई करेंगे मॉडल ट्राई ऑन जनरेशन का, और एक जो दूसरा प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्ट फोटो जनरेशन, उसको भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है अपने वंडरशेयर अकाउंट में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इस तरह का ट्राई ऑन जनरेशन मिलता है। तो यहाँ पर एक ओरिजिनल इमेज मेरे पास ऐसी थी और इसके बाद रिजल्ट कुछ इस तरह का हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आप इस तरह के प्रोडक्ट इमेज को कुछ इस तरह का बना सकते हैं सोली AI का इस्तेमाल करके। तो चलो यार ट्राई करते हैं सबसे पहले ट्राई ऑन जनरेशन को। तो मैं क्या करूँगा कि एक इमेज को यहाँ पर अपलोड करूँगा और उसके बाद हम मॉडल को चेंज कर सकते हैं, मॉडल का स्किन टोन, मॉडल का हेयर कलर और भी बहुत सारे फीचर्स हम मॉडल के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक PNG इमेज है जो कि कुछ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से दिखती है। अभी ये फोटो प्रोसेस हो रही है, ये जो इमेज है वो ओरिजिनली कुछ इस तरह से दिखती है, और अब हम देखेंगे कि किस तरह से AI इसको चेंज कर सकता है। तो ये ओरिजिनल इमेज है मेरी, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसमें चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि लेफ्ट क्लिक करो क्लोथिंग एरिया पर, यानी कि जो कपड़े वाला एरिया है उस पर क्लिक करो, एंड मैंने यहाँ पर जो कपड़े वाला एरिया उस पर क्लिक कर दिया है। अब मैं ओके पर क्लिक करूंगा और इसके बाद ये कपड़ा पहना दिया जाएगा AI के थ्रू किसी और को। What an amazing AI tool it is. तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं जेंडर में मेल या फीमेल चूज कर सकता हूँ, स्किन टोन लेट अस से मैं फेयर रखना चाहता हूँ, और एज ग्रुप मान लो मैं मिडिल एज रखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जनरेट न्यू पर क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर जनरेट नाउ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कास्टिंग AI मैजिक। तो यार ये इमेजेस इसने जनरेट कर दिए हैं। मान लो मैं बैकग्राउंड यहाँ पर रखना चाहता हूँ लेट अस से बार का, और मैं जनरेट न्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बार के बैकग्राउंड के साथ ये इमेज जनरेट करके दे देगा। एंड लुक एट हाउ अमेजिंग दिस लुक्स। डेफिनेटली आप लोग इसको फोटोशॉप में ले जाकर और रिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि मैं इसकी यहाँ पर एजेस वगैरह में भी थोड़ी बहुत रिफाइन कर पाऊँ, लेकिन ये वाली इमेज एकदम परफेक्ट है फर्स्ट और सेकंड। और अगर आप लोग यहाँ पर चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे कि मान लो आप मेल को फीमेल बनाना चाहते हैं, मान लो मैं डीप स्किन टोन के साथ और एक एल्डर मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, और अब मैं जनरेट करूँ तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए, देखते हैं कैसी इमेज जनरेट करता है ये। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी चेंजेस किए उसके बाद भी स्टिल वेरी इंप्रेसिव। अब इसके बाद प्रोडक्ट फोटो जनरेशन यहाँ पर ट्राई करते हैं। जो हमारा ट्राई ऑन जनरेशन था वो ई कॉमर्स या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, एंड सेम गोज फॉर प्रोडक्ट फोटो जनरेशन। आप अगर एक बहुत कॉमन सी चीज़ बेच रहे हो या फिर आप एक कॉमन सी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हो, जैसे कि मैं इसका यूज केस बताता हूं आपको। जोमैटो पे अगर आप कुछ खाना बेच रहे हो, जैसे पनीर बटर मसाला बेच रहे हो, तो आप पनीर बटर मसाला सिर्फ बताओगे, एग्जैक्ट फोटो भी डाल सकते हो, बट अगेन अगर आप सिर्फ डिस्क्राइब करके इमेज एक जनरेट कर दो तो जो खाना आता है घर में और जो आपको खाना दिखता है जोमैटो ऐप पे वो डिफरेंट होता है। तो एक मैं यूज केस यहां पर बता रहा हूं। अब यहां पर हमें करना क्या है कि एक प्रोडक्ट की फोटो डालनी है और उसके बाद उसको हम एनहांस कर सकते हैं। तो मान लो मैं ये लैपटॉप सेल कर रहा हूं, अब ये लैपटॉप दिखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक्चुअल में मैं लैपटॉप इंथुजियास्ट के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊं कि यार एक्चुअल में लैपटॉप बहुत खतरनाक है। यहां पर इस इमेज को मैंने स्निप ले लिया और यहां पर सिंपली मैं इसको ड्रैग कर दूंगा और यहां पर इसका जो AI मैजिक है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद कौन कौन से एरियाज को रखना है और कौन कौन को हटाना है वो सब मुझे यहां पर सेलेक्ट करना है। तो ये अभी हमारी इमेज को सेगमेंट कर रहा है, एंड यहां पर डेफिनेटली मुझे इस एरिया को भी रखना है, मुझे इस एरिया को भी रखना है, मुझे इसको भी रखना है, ये सब रखना है, मुझे पूरा एरिया रखना है ये। एंड यस, दिस इज हाउ आई वॉन्ट माई लैपटॉप टू लुक लाइक। एंड यहां पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद
बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम माउंटेन का बैकग्राउंड ले सकते हैं, हम एक वाटर स्प्लैश ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली वाटर स्प्लैश को सिलेक्ट करके जनरेट करता हूँ। लेट्स सी कि ये किस तरह से हमारी इमेज में बैकग्राउंड वगैरह ऐड करके इसको अपस्केल भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको अपस्केल नहीं किया क्योंकि मेरी इमेज ठीक थी, बट मैं 2x 4x तक मैं अपस्केल कर सकता हूँ इमेज को अगर मेरी इमेज ब्लर्ड है तो। ओ वाओ, अब ये कोई मिनिमल एडिटिंग नहीं है यार, ये काफ़ी बढ़िया इमेज जनरेट हो गया है। ई कॉमर्स ओनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस पर साइनअप जरूर करो, एब्सोल्युटली फ्री में आप लोग 40 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो यार बिल्कुल जनरेट करके देखो, आप लोग को भी पता चलेगा कि क्या होता है AI असिस्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो कितने बढ़िया स्प्लैशेस इसने डाल दिए। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि ये इमेज ज़्यादा बढ़िया है या फिर वो इमेज जो कि हम ओरिजिनली यूज कर रहे थे। डेफिनेटली ये इमेज ज़्यादा एक पावर लेकर आ रहा है, इसी को फोटोशॉप में बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, AI असिस्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यार इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे, और अगर आपको इस तरह के टूल्स के बारे में पता है, लेट अस से आप लोग इन टूल्स के लिए पे करते हैं। मेरे हिसाब से टूल्स के लिए पे करना भी एक बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। आज की तारीख में OpenAI की जो API की है उसके लिए बहुत सारे लोग पे नहीं करते, मैंने देखा है। वो कहते हैं यार बहुत महंगी है, बट वही 300-400 रुपये अगर उनको बाहर खाना खाने के लिए दे दिए जाएँ, खर्च करने के लिए दे दिए जाएँ, तो वो डेफिनेटली खर्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे और वो कहेंगे यार हाँ हम पिज़्ज़ा तो खा ही सकते हैं, 300 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं, बट OpenAI की API की नहीं खरीदेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ मेंटेलिटी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है और मेरे हिसाब से डेवलपर्स को नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी स्टेज में हो, आप कितना भी कमा रहे हो, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आप अपने करियर में इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। विद दैट सेट, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग AI टूल्स पर खर्चा भी करो। अगर आप लोग उस AI टूल पर खर्चा करके कुछ सीख पा रहे हो एंड अगर कमा रहे हो, अगर आपने लेट अस से $5 का AI टूल खरीदा और उस $5 के AI टूल को यूज करके आपने लेट अस से $500 कमा लिए, इट्स अ ह्यूज विन। मैं तो कहता हूँ इवन $50 भी कमा लिए, दैट्स इवन अ ह्यूज विन। एंड गेस व्हाट, अगर आपने 10 भी कमा लिए ना, 5 भी कमा लिए ना, ब्रेक इवन भी कर लिए ना, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज विन, बिकॉज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। तो यार मेरा AI को लेके कुल मिलाकर ये ओपिनियन है कि आप लोग AI को एज अ असिस्टेंट की तरह देखो और एज अ असिस्टेंट की तरह यूज करना सीखो। अब अगर आप अपनी स्किल्स को इतना लिमिट कर लो कि AI आपको रिप्लेस कर देगा, देन प्रॉब्लम इज लाइंग विद इन यू। अगर आप लोग सिर्फ कलर करेक्शन करते थे या इफेक्ट्स अप्लाई करते थे, हाँ AI आपको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप लोग क्रिएटिव काम करते थे, कहाँ पर क्या करना है, किस तरह का थीम लगाना है, किस तरह के डिजाइन को लेकर आना है, कौन सी मीम कब यूज करना है, बात तो सही है, या फिर किस तरह की स्टोरी को बिल्ड करना है अपनी एडिटिंग के थ्रू, इस तरह के काम को AI नहीं कर सकता। क्योंकि AI इज ट्रेंड ऑन डेटा एंड डेटा इज गुड एंड बैड एट टाइम्स। कुछ डेटा जो कि एडिटिंग का AI ने देखा है वो माइट बी गुड, और कुछ डेटा जो कि एडिटिंग का देखा है AI ने वो अच्छी एडिटिंग का डेटा शायद ना हो या अच्छी एडिटिंग का डेटा हो, हु नोज। तो मिक्स तरह के डेटा पर जो AI है वो ट्रेन है, एंड यू नेवर नो कि वॉट इज़ क्रिएटिव, AI क्या जनरेट करने वाला है। कभी कभी AI बहुत क्रैप जनरेट करता है, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो इंसान की हमेशा ग्रेटर 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 देन होने वाली है AI। तो यार AI असिस्टेड वीडियो एडिटिंग, AI असिस्टेड डिजाइनिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, ये तो तय है और इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक सच है कि आने वाले टाइम में AI का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें होंगी। जिस चीज को आज हम एक बेसिक कंप्यूटर बोलते थे वो AI के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि पहले हम 1+1 कहते थे तो 2 मिलता था, यहाँ पर अभी हम अपनी फीलिंग्स के साथ एक नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देकर भी चीज़ें करवा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार कलर ग्रेड दिस वीडियो और आपका वीडियो कलर ग्रेड हो जाएगा। आप कह सकते हैं लेट अस से कि ऑडियो इसकी बेटर कर दो, मेक दिस ऑडियो बेटर, और आपकी ऑडियो को बेटर कर दिया जाएगा। एंड इस तरह के AI जब आएंगे तो आपके काम को आसान किया जाएगा एज अ वीडियो एडिटर या एज अ डिजाइनर, वहां पर आपका काम फिर सिर्फ क्रिएटिविटी का रह जाएगा और किस तरह से इन टूल्स का यूज करना है ये भी तो आना चाहिए। आज की तारीख में मैं आपसे कह दूं कि यार AI ये कर देगा, AI वो कर देगा, AI ऐसे कर देगा, कौन सा AI करेगा, किस तरह से कौन से टूल को यूज करना है, ये जिसको पता होगा दैट पर्सन इज गोइंग टू विन। विद दैट सेट, आई होप कि आप लोगों को एक अच्छी इंसाइट मिल गई होगी। ये क्वेश्चन इस चैनल पर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो यहाँ पर बना दिया जाए। एज अ वेब डेवलपर अगर आप लोग डिजाइनिंग में फोकस कर रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। फोकस ऑन द डिजाइन, फोकस ऑन विच टूल टू यूज और किस तरह से कौन से टूल्स आप लोगों को इस्तेमाल करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन। I hope this video helps. Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.